तो आज का लेक्चर है वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी तक हम लोग होमोजीनियस पर काम कर रहे थे, अब केवल नॉन होमोजीनियस एक्स्ट्रा है। क्या क्या चेंज आए हैं, क्या क्या हम लेक्चर आज और आने वाले लेक्चर्स में होगा हम लोगों का, वो कुछ इस टाइप से है कि हम लोग पहले क्या लेंगे, सी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद सी एफ पर बात करेंगे, पीआई पर, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इसके। ये सब कुछ होने वाला है आज ही, आज के बाद के कुछ लेक्चर्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने यही स्लाइड पहले भी आपको डिस्कस की थी, हल्का सा स्लाइड करके बता दूं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर हम लोग ने बात की है, बिल्कुल ठीक हम कर चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर में ऑब्वियसली हम कर चुके हैं या कर रहे हैं। लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर पर हम लोग बात कर चुके हैं, या जो टॉपिक है वो लीनियर ही चल रहा है अब, ठीक है। और लीनियर नॉन लीनियर किस टाइप की होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। लीनियर इस टाइप की होती है, नॉन लीनियर ऐसे होती है कि जिसमें यहाँ पावर 2 आ गई, यहाँ 1 है पावर, उसकी डिग्री जो है, ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए, तो लीनियर ये हो गया, ये हो गया लीनियर हो गया आप लोगों का। इसके बाद विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, हम लोगों का लेक्चर इसी पे चल रहा है अभी, यहाँ पे आप जाओगे ये विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट ही चल रहा है, राइट। इसका एग्जाम्पल दूं तो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट में आप देखा होगा यहाँ 1 था, यहाँ 4 है, या -4 है, या 5 है, इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट, और नॉन को कहते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ टर्म आ जाए एक्स या वाई जेड की फॉर्म में। तो ये डिफरेंस था, राइट। और होमोजीनियस, इसके आगे चले, होमोजीनियस हम लोग कर चुके हैं। अब हमने क्या क्या नहीं किया है, नॉन लीनियर हमने स्टडी नहीं किया है, नॉन कॉन्स्टेंट हमने नहीं किया है, और नॉन ये वाला होमोजीनियस भी हमने नहीं किया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, तीन चीजें पूरे सिस्टम को समझें अगर आप, तो नॉन होमोजीनियस पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये दो अब भी रह जाएंगे, अगर आप पूरी ट्री को समझें तो, पीडीई की ट्री को समझें तो, ये सिस्टम है जिसके अंदर ये पोर्शन और ये पोर्शन रह जाएगा। नॉन होमोजीनियस पर आज हम लोग स्टार्ट कर, चलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी, और जो कि बता भी दिया है मैंने, जब पीडीएफ दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये देने का रीजन ये है कि अगर आप भूल गए हैं कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट किसको कहते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। मेन है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस। होमोजीनियस का एग्जाम्पल मैं लूँ तो ये है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ, कि अगर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है, तो ये है होमोजीनियस। अगर कोई एक भी टर्म कम या ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 आ गई अचानक से, अगर एक भी टर्म उससे लेफ्ट या राइट होती है, मतलब कम या ज्यादा होती है, तो वो होते हैं नॉन होमोजीनियस, जिस पर हम लोग आज काम कर, राइट। ये तो हुआ, कैसे आप लोग उसको पहचानेंगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, राइट। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी डेफिनेशन दूं तो ये होगी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं कि अगर होमोजीनियस नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस ही होगी, राइट। लेकिन इससे अच्छी डेफिनेशन वो है कि उसके अंदर टर्म आप लोग इस टाइप, एग्जाम्पल मैं लूँ तो ये है, जरा देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इन दोनों ने इसको नॉन होमोजीनियस बोलने के लिए मजबूर कर दिया हमें, राइट। कॉन्स्टेंट भी है, अगर इस पूरी टर्म को देखो ना, इसको नॉन होमोजीनियस, लीनियर, पार्शियल डिफरेंशियल और कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, कितने टर्म हुए हैं, हर एक टर्म का कहीं ना कहीं यूज हुआ है। जैसे कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को कहोगे तो यस ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर नहीं सोल्व होगा, ठीक। आगे चलिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म है, ऑब्वियसली सारे पार्शियल ही हैं, डेल यूज हो रहा है। लीनियर भी वर्ड है, लीनियर का मीनिंग है कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पर कहीं पर भी 2 पावर नहीं है। नॉन होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग है कि ये भी 2 है, ये नॉन, सॉरी होमोजीनियस होता तो 2 2 2, ये भी 2 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, नॉन है, दैट मींस यहाँ 1 आ गया, इक्वल नहीं है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर। इसका आंसर भी वही होता है, सी एफ प्लस पी आई, कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे होगा उस पर हम देखेंगे, इसका सी एफ इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, मैं इस पर बात करने से पहले मैं जरा होमोजीनियस इक्वेशन का सी एफ पी आई पर बात करूं। इस टाइप की इक्वेशन होती थी, इसको हम लोग डी में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद ये और ये रूल आते थे। आइडिया इसलिए दे रहा हूं, अगर भूल गए तो समझ लें। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि ये वाला टर्म आप लोग यूज नहीं करते थे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन लिखा जाता था, कहीं ना कुछ तो यूज होगा इसका। हम लोग क्या करते थे, आपको ध्यान होगा, ये वाली टर्म भी यूज करते थे, ये वाली टर्म भी यूज करते थे, इसमें क्या करते थे, इसके बाद डी इज इक्वल टू एम,
और डी डैश इज इक्वल टू वन रख दिया। रखने से फिर हम लोग इस वाली टर्म को भूल जाते थे, इस टर्म को भूल जाते थे, इस टर्म के अलावा डायरेक्ट सीधी एक इक्वेशन आ जाती थी ऐसे एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस ऐसे कुछ टाइप की इक्वेशन या एम क्यू एम फोर ऐसे कुछ आ जाते थे बस। फिर उसको सॉल्व किया और रूट निकाला और आंसर। सबसे अच्छी बात है कि दो ही केस होते थे इसमें। अभी सब कुछ पुराना चल रहा है, अब पुराने को मैं अब नए वाले के साथ जरा मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पुराना याद है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, राइट है। केस नंबर वन केस नंबर टू दो ही केस थे। मैं यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ पढ़ा अभी तक उसमें बस इसका यूज नहीं किया, सबका किया, सभी का किया, इसका नहीं किया। बस अब मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा आपको। ये जो टर्म छोड़ी थी आपने, ये ना छोड़ते तो पहले वाले क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला था, बस यही इस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। कि ये वाली टर्म मैंने अगर नहीं यूज की, अगर मैं इसको यूज कर लेता होमोजीनियस में तो क्या होता, अगर मैं इस वाली टर्म को भी यूज कर लेता तो क्या होता, ठीक। अब आप कहोगे इस वाली टर्म को यूज करना क्यों सिखाया जा रहा है आज? वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर सीएफ नॉन होमोजीनियस में इस टर्म को यूज करना ही होगा। पहले क्या था, हम इसको छोड़ देते थे, ये वाली टर्म लिखते ही नहीं थे, सीधा ये सीधा है हम सीधा आंसर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे भी एक बार ट्राई करके देखें कि ये वाला मेथड लगेगा तो कैसा लगेगा, कितना टफ होगा। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिए थे डायरेक्ट, मैं जरा बात करूं इन पर, राइट। मैंने ये क्वेश्चन पहले सोल्व करके दिखाया पुराने मेथड से, यानी ये था एक सी एफ निकालने का होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी टू है, टू और टू, राइट। तो हम लोग इसको सोल्व करते थे, कैसे करते थे समझिए। पहले मेथड से द इक्वेशंस को इस टाइप से लिख लेते थे, वो अलग बात है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, डेल अपॉन डेल एक्स को डी मानते थे, बच्चों वाला गेम है, लेकिन ऐसा कर देते थे, राइट। उसके बाद एक लाइन और थी, हाँ आगे वो लाइन ये वाली, डी इजकल टू एम और डी डैश इजकल टू वन भी पुट करते थे। उसके बाद ये आंसर आता था, मतलब ये इक्वेशन आती थी जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते थे, उसके रूट निकालते थे और उसके बाद रूट के अकॉर्डिंग यहाँ सी एफ आता था, ये या इसको कहूँ मैं ये ऐसे ही यहाँ पर है राइट साइड में, जरा ये इसको डी की फॉर्म में, इसके बाद डी इक्वल टू एम रखता था, डी डैश इक्वल टू वन रखता था। बीच की लाइन देखो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, ये मैं यूज ही नहीं करता था, यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है कि मैं अब लिखूंगा उसको। ये वाली टर्म हम लोग लिखते ही नहीं थे, ये कौन सी टर्म है, ये टर्म है ये वाली, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म डी माइनस एम डी डैश, ये वाली टर्म, ये फैक्टर वाली, ये लिखते ही नहीं थे। अब इसका कितना लॉस हुआ था हमें, या हम नई टर्म बनाते वक्त क्या होने वाला है, समझिए। तो ये गैप है, इस गैप को मुझे फिल करना है, यही सिखाना है मुझे कि गैप फिल करने से क्या हमको बेनिफिट मिल सकता था। तो डी इजकल टू एम, डी डैश इजकल टू वन रखा, यहाँ भी रखा था, वैल्यू आ गई थी यहाँ भी आ गई थी, ये टू टू आ गई थी, उसके बाद उठा के डायरेक्ट आंसर, उठा के डायरेक्ट आंसर। रिपीटेड है, रिपीटेड है तो रिपीटेड वाला रूल, नॉन रिपीटेड है तो नॉन रिपीटेड वाला रूल, राइट। ये हुआ प्रीवियस। अब जरा देखें कि अगर ये ऐसा ना हो के फैक्टर मेथड हो जाता तो क्या करता। नंबर वन जरा इसको देखो, इसको फैक्टर ऑब्वियसली माइनस टू प्लस के थ्री आ रहा है, तो इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे डी प्लस टू डी डैश, फैक्टर करके तो पता चल जाएगा आप लोगों को, डी माइनस थ्री डी डैश, ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो, राइट। इसी टाइप से अगर मैं इसके फैक्टर किए होते, मैंने यहाँ पर जो लाइन छोड़ी है मैंने, अगर वो ना छोड़ता तो यहाँ होता डी प्लस के टू है, तो यानी माइनस के टू डी डैश का होल स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं। ये वो लाइन है जो हम लोग बार बार मिस कर रहे थे, और अब नॉन होमोजीनियस में इसको लाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना पहले से सीखे, सीख रहे हैं भाई हम। चलिए अब आगे की कहानी, जरा मैं वो मेथड बता रहा हूं जो अब यूज करेंगे। तो ये हो गया लाइन, अब आगे आएगी, जरा इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, एम रखने वाला रूल भूलो, इसको भी भूलो, नहीं देखना, यहां से ये रखना भूलो, ये सब हटाओ, सीधा आंसर, सीधा आंसर रखना सीखो जरा। तो यही सीखना है आपको कि अगर मैं ये d की वैल्यू m ना रखूं, d डैश की वैल्यू 1 ना रखूं, जो कि नॉन होमोजीनियस में होगा, नॉन होमोजीनियस में ये नहीं रखा जाता, तो क्यों ना हम होमोजीनियस में भी ना रखें, तो क्या वहां भी ऐसा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे जरा समझिए, यहां से यहां आने के लिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं ये आपको समझना है, ऐसे यहां से डायरेक्ट आंसर यहाँ ये कैसे आ गया ये समझना है पहले आपको। जरा मैं रफली एक आइडिया दे दूं,
जरा मुझे एक छोटे से रीजनिंग बताएं जो कि मैं पूछता हूँ। सपोज ये है डी प्लस टू टी डैश, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जेड इजकल टू फंक्शन नंबर वन वाई माइनस टू एक्स, राइट। मैं जरा तो मैंने आप लोगों से ये पूछा, आप लोगों ने आंसर दिए बहुत अच्छे से। ये क्या था, डी प्लस टू डैश को अगर मैं फंक्शन नंबर वन वाई माइनस टू एक्स रख सकता हूँ, डी माइनस टू डैश को अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे अपोजिट चल रहा है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, या माइनस है तो यहाँ प्लस है, उल्टा चल रहा है, प्लस है तो यहाँ माइनस है। एक चीज और पूछी थी मैंने, केवल डी है तो केवल वाई, केवल डी डैश है तो केवल एक्स, डिफरेंस है दोनों में, राइट। इस चीज को समझ के चलिए। अब मैं जरा, ये आप समझ गए हैं, अब मैं फिर से एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जरा समझिए इसको याद कैसे करें, आप तो भूल जाओगे, ठीक है, तो क्योंकि रीजनिंग तो हैंड टू हैंड तो है, तो हैंड टू हैंड तो याद रहेगी, हैंड टू हैंड नहीं है तो फिर कैसे याद करें, जरा समझिए। नंबर वन, अगर कोई भी टर्म इस टाइप की दी हुई है तो डी जो होता है, डी जो होता है वो डेल अपॉन डेल एक्स होता है, समझिए, राइट। सब जानते हैं डी जो होता है कैपिटल डी डेल अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स को एक्स के को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एक्स का उल्टा होता है वाई, यहां लिख दीजिए, प्लस का अपोजिट होता है माइनस, वो यहां लिख दीजिए। टू कॉन्स्टेंट है तो टू का टू ही रहेगा। डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, और वाई का अपोजिट होता है एक्स, यानी जो भी नजर आए उसका अपोजिट करने की कोशिश कीजिए। ये याद करने का मेथड है, एक ऐसा कुछ नहीं है लिखना आपको यही है, लेकिन याद करने का मेथड है कि अगर बाई चांस आपके पास केवल अचानक से ही आ गया डी डैश प्लस डी ऐसे आ गया, फिर उल्टा सीधा हो गया, फिर तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले डी है, अगर डी है तो डी होता है एक्स को, एक्स का उल्टा हो गया वाई, प्लस है प्लस का अपोजिट हो गया माइनस। टू कॉन्स्टेंट है तो टू का टू ही रहने देते हैं, और डी डैश मीन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई का उल्टा होता है एक्स, अपोजिट। ये याद करने का मेथड है, बस सिंपल, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जरा अपने वाले फ्रेंड, यहाँ पर डी इज इक्वल टू एम, भूल जाओ भूल जाओ, ये सब भूलो सब भूलो। अब यहां से आ जाओ जरा पहली वाली टर्म, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाइए। क्या सबसे पहले डी है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, डी प्लस टू डी, अच्छा ये तो सेम ही है, ये वाला सेम है, सेम रख दिया मैंने, इसको हटाओ, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ डी माइनस थ्री डी डैश, डी माइनस थ्री डी डैश, तो सबसे पहले डी, डी का डी होता है एक्स का अपोजिट हो गया वाई, माइनस थ्री का अपोजिट हो गया प्लस की थ्री, और डी डैश को कहते हैं वाई के रेस्पेक्ट में वाई का उल्टा हो गया एक्स, बस सिंपल स्टोरी हो गई ये। अब आपने क्या सीखा यहां पर, आपने ये देखा कि बिना एम रखे भी, बिना डी इक्वल टू एम रखे, बिना स्लोप निकाले भी हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका बेनिफिट और कहाँ मिलेगा हमें, इसका बेनिफिट इसी चीज का, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, समझ गए ना, इसको ध्यान से समझ लो, एक बार समझ गए, अब आ गया ये, इसका बेनिफिट मिलेगा यहाँ जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई थी पहले, या आ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। जरा देखिए इसके अंदर क्या हुआ, कॉमन ले लिया मैंने, तो इसके अंदर तीन फैक्टर बने हैं, एक ये डी डैश वाला, एक डी वाला और एक ये वाला, एक बना डी डैश वाला, एक बना केवल डी वाला, एक बना डी प्लस डी डैश, ये तीन फैक्टर बने। अगर मैं इसको एम रखने वाली कोशिश करूंगा, एम की वैल्यू रखूंगा यहाँ यहाँ एम की वैल्यू जीरो वगैरह, तो ये शायद क्वेश्चन ना हो आपसे, तो जरा इसको ध्यान से देखो। अभी जो मैंने बताया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, फंक्शन नंबर वन, वन टू थ्री कोई मायने नहीं रखते हैं, फंक्शन नंबर वन पहला टर्म है डी, डी का अपोजिट होता है वाई, प्लस का अपोजिट होता है माइनस, और डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, वाई का अपोजिट होता है एक्स, बस सिंपल सी स्टोरी, आंसर खत्म। अब इस पर आ जाइए केवल डी पर, केवल डी का मतलब फंक्शन नंबर टू, अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो फंक्शन नंबर वन उसको मानेंगे, फंक्शन नंबर टू डी, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का अपोजिट होता है वाई, बस काम खत्म यहीं पर जी। तो डी डैश का क्या हो जाएगा, फंक्शन नंबर थ्री फोर फाइव जो भी है वो मायने नहीं है, मायने ये है कि अंदर क्या आएगा, डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, माइंड में आ जाना चाहिए वाई, और वाई का अपोजिट होता है एक्स, ये याद करने का मेथड है, ऐसा नहीं इधर उधर उधर की बातें करके काम चला रहा हूं मैं, ये है कि याद कैसे करें इसको, जब स्लोप मानना भूल गए, हम एम की वैल्यू भी रखना भूल गए, कुछ नहीं रखना तो फिर क्या करें। तो आपने ये देखा कि जो सी एफ के पुराने फॉर्मूले थे, अब आप देखो इस मेथड से बेनिफिट क्या मिलेगा, इस बेनिफिट ये मिलेगा, जो आप लोग यहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो प्रॉब्लम हो गई दूर।
अगर हाँ अगर रिपीटेड है, अगर रिपीटेड है जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी तो है अभी, स्क्वायर है तो क्या प्रॉब्लम है, इसी फंक्शन को सभी जानते हैं। स्क्वायर वाले में क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसका तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसका रिपीटेशन हम लोग करेंगे नहीं, ये रहा राइट। दूसरा ये एक्स डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर है यहाँ, यानी ये जब इसका रिपीटेशन होगा वाई वाले का, तो दूसरी वाली इसमें लिखा जाएगा वाई टू वाई, और इसका अपोजिट एक्स यहाँ लिखा जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये करते हैं हम लोग। अब आते हैं डी डैश के अपोजिट में, यहाँ पर डी डैश में ऑब्वियसली वाई फंक्शन ऑफ एक्स आ गया था, फंक्शन नंबर थ्री एक्स, यहाँ इसको फिर से लिखिए और इसका अपोजिट यहाँ बाहर, बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई से, यहाँ एक्स अंदर वाई था तो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अंदर ये एक्स है तो वाई से मल्टीप्लाई कर। अब मैं आता हूं अपने, जो ये चीज समझाने की हो गई, अब मैं अपना आता हूं अपने मेथड पर। अब आते हैं हम लोग अपने सीएफ पर, नॉन होमोजीनियस, राइट। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट जो ध्यान से देखो, फॉर्मेट यहां पर आपको मैं बता चुका हूं, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। जब इसके फैक्टर किए तो आप देख रहे होंगे ये वन है, ये भी वन है, वन 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 वन, सारे वन है, इसको तो होमोजीनियस बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस में एक ऐसी टर्म आएगी जो कि वन नहीं होगी, ये रहा, ध्यान से देखो, ये वन है, ये भी वन है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, बस इसीलिए तो ये नॉन होमोजीनियस हुआ, नहीं तो क्यों होता, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए इसको जरा डिलीट कर देता हूं, तो जरा मुझे बताइए ये सेम टू सेम ये है या नहीं, फॉर्मूला भी वही है, सीएफ भी वही, सब कुछ सेम है, ये वाला एम वन है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, और ये फॉर्मूला जो सीएफ का आया वो भी यही है। यानी अगर ये पोर्शन हट जाए तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में कोई डिफरेंस नहीं, केवल ये वाला डी माइनस एम डी डैश, ये डी माइनस एम डी डैश, और इसका आंसर आता है फंक्शन नंबर वन बाई प्लस एम एक्स। अगर मैं अपने रूल से बात करूं तो क्या आता है, जरा अपने रूल मीन्स अभी जो मैंने समझाया तुमको, डी का अपोजिट वाई, माइनस का अपोजिट प्लस, ठीक, और एम का अपोजिट तो एम ही होगा, डी डैश का अपोजिट एक्स। लेकिन अभी ये था होमोजीनियस में, अब एक टर्म और आ गई है माइनस के ए, अगर ये नहीं आए तो फिर तो काम इजी हो जाए। अब माइनस ए का बस एक एक्स्ट्रा चीज होती है, बाहर ई की पावर माइनस ए एक्स और जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस का ए है तो माइनस का ए है तो यहाँ पे प्लस का ए हो जाए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, ये वाला पोर्शन बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। इन शॉर्ट सब कुछ भूल जाए, इतना सा याद रखो, इतना याद रखो, इसको करेंगे हम लोग होमोजीनियस की हेल्प से। होमोजीनियस का आंसर माइनस वाला पोर्शन या प्लस वाला पोर्शन जो कॉन्स्टेंट की टर्म है, उसको बाहर e की पावर थीटा, e की पावर ax, e की पावर px वगैरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है जो यहाँ पर है, ये वाला। पर इतनी सी स्टोरी है। अगर ये रिपीटेड होगा, ये था होमोजीनियस का, होमोजीनियस में दो ही केस होते हैं, डिस्टिंक्ट और रिपीटेड, इमेजिनरी तो होते नहीं, तो यहाँ पर भी रिपीटेड होगा, या सोने दो रिपीटेड। अगर रिपीटेड होता है, मीन्स टू या थ्री होते हैं, तो जैसा पहले बताया वही होगा, क्या इसको एज इट इज लिखेंगे और बाहर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर भी तो यही होता था, देखो इसको एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ बाहर से एक्स से मल्टीप्लाई कर, फंक्शन तो चेंज करोगे, ये फंक्शन नंबर वन है, ये फंक्शन नंबर टू है, यहाँ पर भी फंक्शन नंबर वन है, फंक्शन नंबर टू है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ फाई या साई मानना जरूरी है, फंक्शन वन एफ वन एफ टू मान सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, थोड़ा डिफर करने के लिए मैंने लिख दिया है, बस ये बाहर जो है ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर में एक्स से तो मल्टीप्लाई करते ही थे। चलिए इसमें एक जनरल फॉर्मूला और है, चाहो तो याद कर लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, सेहत के लिए, कभी कभी काम कर देता है ये। यहाँ वन है, अगर यहाँ बाई चांस अल्फा होता, यहाँ बीटा होता, यहाँ गामा होता, तो जनरल फॉर्मूला ये बन गया, इसी से ये बन जाते हैं वैसे तो, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, जो अच्छे स्टूडेंट्स टॉप आते हैं वो एक बार इसको देख ले जरूर, ठीक है, नहीं तो इनसे काम बन जाएगा ना। चलिए अब मैं आता हूँ अपने कुछ सी एफ पर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम लोग सी एफ के नॉन होमोजीनियस के, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस पर इस सीएफ पर आ जाता है, जो हम लोग अभी तक होमोजीनियस पर मैं डिस्कस कर रहा था इतने टाइम से, लेकिन एक मेथड सीख लिया आपने कि कैसे हम विदाउट विदाउट डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू वन रख के कैसे आंसर दें, ये मैंने आपको सिखाया। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में ये कभी नहीं रखते हैं, इसको ध्यान दे लो, इसको कभी नहीं यूज करना है d is equal to m, d is equal to 1, नहीं तो आंसर गलत ही होने वाला है। मैं दिखा दूंगा इसका एग्जांपल अभी, ऐसा रखने से कितना बड़ा मिस्टेक होने वाला था, जो आप लोग बच जाएंगे।
ये कभी यूज नहीं करना है, बार बार ना समझाना पड़े, ये कभी यूज करना ही नहीं है नॉन होमोजीनियस में। नॉन होमोजीनियस की पहचान क्या है, ये वन है, ये भी वन है, यहाँ पर डी डी या डी डैश नहीं है, बस नॉन होमोजीनियस हो गया। चलिए डायरेक्ट सी एफ, मतलब अगर पहले तो मैं क्या करता, डी को एम रखता, डी डैश को वन रखता, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन आती, उसको मैं रूट निकालता, रूट के बाद फिर सी एफ निकालता, इतने लाइन का बात नहीं है, सीधे आंसर निकालता। और वो रखना भी नहीं है, रख भी नहीं सकते आप, डी की वैल्यू एम नहीं रख सकते, यहाँ नॉन में नहीं रखेंगे, ठीक है राइट। चलिए स्टार्ट करें इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बताया ट्रिक, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग नंबर वन, फंक्शन नंबर वन ऐसे लिखिए, ये डी है, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा होता है वाई, ठीक है। याद हो जाएगा ये फॉर्मेट तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ याद नहीं है तब। ये प्लस है, प्लस का अपोजिट होता है माइनस, डी डैश का अपोजिट यानी डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, और वाई का अपोजिट होता है एक्स, खत्म। अब ये बचा माइनस वन, माइनस वन यहाँ आ जाएगा और ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस वन का अपोजिट होता है प्लस वन, ये अपोजिट में चल रहा है। ये आ गया फर्स्ट सी एफ का फर्स्ट पार्ट। अब इस वाले पार्ट को देखो जरा, इस पार्ट को यहाँ आ जाओ, इस पार्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन नंबर टू, वही पहले डी है, डी मीन्स पाई, ये है प्लस के टू, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के टू, माइनस के टू एक्स। अब ये है माइनस के टू, इसका अपोजिट करिए, अपोजिट में प्लस के टू, प्लस के टू एक्स, बस इन दोनों को ऐड कर दो आंसर। अगर आप में से कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा करने लगते हैं कि डी डैश को वन मान लूं, तब क्या होता, जरा देखो, जरा देखो, ये हो जाता है एम, ये हो जाता है वन, ये हो जाता है वन से वन कट गया, एम की वैल्यू आ गई जीरो, एम की वैल्यू जीरो के आंसर होता है फंक्शन नंबर वन वाई, बस वाई, बस ये आंसर होता। आप समझदार हैं, कहाँ डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, समझ रहे हैं। ये वाला मेथड तो आप लोगों को मिला था वहां पे, बस ओरिजिनलिटी यही है जो मैंने आपको सिखाई, ओरिजिनलिटी में यही होता है, पहले आपको फैक्टर निकालने ही होते हैं, जो हमने नहीं निकाले पहले, आपको याद होगा पूरा सीएफ खत्म हो गया, पूरा पीआई खत्म हो गया, फैक्टर नहीं निकाले, ना ही बुक में निकाले, हमारी गलती नहीं है, सब ने ऐसे चला रखा है, लेकिन ओरिजिनलिटी में विदाउट ये रखे भी काम करना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये सेकंड आप लोगों की प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक डी है, एक डी डैश है, और एक डी प्लस टू डी डैश प्लस वन, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने अभी जो ट्रिक बताई आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग नंबर वन फंक्शन नंबर वन लिखिए, अंदर ये देखते क्या है, यहाँ पर डी है, तो डी होता डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा होता वाई, ये याद करने की ट्रिक है, बाकी आप लोग जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। फंक्शन नंबर टू, फंक्शन नंबर टू डी डैश है, सिंगल डी डैश का वेइंग हो गया डेल अपॉन डेल वाई, और वाई का अपोजिट हो गया एक्स, बस ठीक। अब आगे यहाँ पर थर्ड पे फंक्शन नंबर थ्री लिखिए, सबसे पहले डी है, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स का उल्टा हो गया वाई, प्लस के टू है तो माइनस के टू, और डी डैश का मतलब है डेल अपॉन डेल वाई, वाई का उल्टा हो गया एक्स। अब बचता है प्लस के वन, प्लस का वन का मतलब है माइनस के वन, यानी कि माइनस के, यही मैं लिख देता हूँ राइट जी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, ये टू एस है, टाइपिंग मिस्टेक, द गिवन इक्वेशन इज दिस, हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा आप ध्यान से देखो तो ये पोर्शन, इसको देखिए ठीक है, और इसको अलग देखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, ऐसे फॉर्म में बना हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखा डी प्लस डी डी डैश, ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ये राइट साइड में इस पोर्शन को मैंने टू कॉमन लेके ऐसे कर, अब फिर से देखो जरा, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है टू ए बी, यानी अब फिर से इनको मैं ऐड करके लिख सकता हूँ होल स्क्वायर में, मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ, बस यही काम हमारा था। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस, क्योंकि डी में कन्वर्ट करने का मीनिंग ये नहीं होता, फैक्टर में कन्वर्ट करने का मीनिंग ये नहीं होता कि ये नॉन ही है तभी करूंगा मैं, आप होमोजीनियस में भी फैक्टर लेके जा सकते हो, समझ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप लोग कर सकते हो ऐसा दोनों ही जगह, लेकिन प्रॉब्लम अब आएगी कि अब क्या है। चलिए सबसे अच्छी बात यह है जो मैं आप ट्रिक बता रहा हूँ ये चल रही है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, मेथड लगाते रहिए अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, कैसे जा देखो, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान से देखो, ये सबसे पहले डी है तो फंक्शन नंबर वन लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा हो गया वाई, ये प्लस है इसको कर दीजिए माइनस, डी डैश का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स,
डेल वाई वाई का उल्टा हो गया एक्स, आगे कुछ ना होता तो यही आंसर है, हम क्यों सोचे कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, वो तो वैसे लग गया था देखने से यहाँ पता हम लोगों को, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ अब ये प्लस वन है, प्लस वन बाहर आ जाएगा क्या जाएगा माइनस बताए, लेकिन अभी रिपीटेड भी है, अभी रिपीटेड में टू भी है, तो एज इट इज इसको उठा के यहाँ रखिए और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ई टू द माइनस एक्स फंक्शन नंबर वन बाई माइनस एक्स कर दिया। तो बड़ा काम नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो बुक है नोटबुक है जो भी है उससे प्रैक्टिस ही करिए। वैसे तो जब पी आई निकालूंगा तो पी आई में फिर सी एफ आ जाएगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व दिस, स्टार्ट कीजिए आप लोग, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आर टी पी क्यू की फॉर्म को जरा कन्वर्ट कर लीजिए कि ये डी स्क्वायर होता है, ये डी डैश स्क्वायर होता है, मैं लिख लेता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है, सब जानते हैं कि पी ये डी होता है, क्यू ये होता है, आर एस टी एस होता है। अगर याद नहीं आ पा रहा है तो इसको कन्वर्ट कीजिए कि ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, सबको कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा। अब मेन है किसी तरह से इसके फैक्टर हो जाए, मेन क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फैक्टर कैसे हो इसके, यहाँ पर यहाँ फैक्टर कैसे हो इसके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तब तक नहीं लगेगा अगर हमारे पास फॉर्मेट ये ना हो। क्या फॉर्मेट था हमारे पास, हमारे पास फॉर्मेट था इस टाइप का, डी प्लस या माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये फॉर्मेट था, वो अलग बात है यहाँ प्लस हो जाए होने दो, लेकिन ये फॉर्मेट तो हो सिंगल तो डी हो, यहाँ तो डबल है डी स्क्वायर तो नहीं लगेगा ना, राइट। हम लोग क्या करेंगे, डी माइनस डी डी डैश, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो हम कर लेते हैं, तो ए माइनस बी का हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, डी माइनस डी डैश और डी माइनस डी डैश कॉमन आ जाएंगे, कॉमन लेके मैं देखूंगा क्लियर। अब दो टर्म बनेंगे फर्स्ट और सेकंड, आप देखिए ये होमोजीनियस टर्म है ये नॉन होमोजीनियस है। अब आप कहोगे सर ये तो होमोजीनियस आ गई, मैं क्या डी की वैल्यू एम रख दूं, वो चीज मैंने क्यों सिखाई थी कि ये ट्रिक होमोजीनियस में भी काम कर जाती है नॉन होमोजीनियस में भी, तो क्यों ना हम अपने वाली ट्रिक को ही अप्लाई करें सब जगह, चाहे वो होमोजीनियस हो, ये होमोजीनियस है ये नॉन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पूरी नॉन होमोजीनियस होगी, लेकिन ये अपने आप में अलग है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, आप इसको ना पुराने मेथड से कर सकते हैं, केवल इसको, केवल इसको, लेकिन क्यों दो दो काम करो। चलिए रूल नंबर वन, सबसे पहले फंक्शन नंबर वन डी होता है एक्स के रेस्पेक्ट में यानी वाई, कुछ लोग ऐसा याद नहीं करते मत करो, वो ऐसे याद कर लो सीधा, ऐसे कैसे वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स ऐसे याद कर लो, मतलब यहां से स्टार्ट करो वाई, इसका उल्टा करो ये लिख दो, जो मैं बता रहा हूँ वो तो ट्रिक इसलिए है कि कभी भूलो ही ना उल्टा करने वाला, डी माइनस का उल्टा प्लस डी डैश होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा होता है वाई, सॉरी वाई होता है डेल अपॉन डेल अपॉन डेल वाई, वाई का उल्टा होता है एक्स, ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका वाला पोर्शन, इस पोर्शन का करोगे तो अब तो सीख गए हो तो वन का पहले लिख दो, है ना, अब समझ सीख गए हो तो इसका लिख दो वाई, ये प्लस है इसका लिख दो माइनस, आंसर पहले लिख देता हूँ, पहले भी चेक करोगे वही है जो मैंने लिखा, बस यही आपका आंसर। तो ये आप लोगों का सी एफ फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गया है, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए इसकी, इसके बाद हम लोग पी आई पर आएंगे।